वेल दोस्तों, इंडियन आइडल सीजन 12 से जुड़ी एक और धमाकेदार और एक्सक्लूसिव खबर के साथ एक बार फिर आप सभी दर्शकों के सामने हम हाजिर हैं। दोस्तों, इंडियन आइडल सीजन 12 के आने वाले एपिसोड में पवनदीप राजन एक ऐसा परफॉर्मेंस देने वाले हैं, एक ऐसा परफॉर्मेंस करने वाले हैं गेस्ट बप्पी लहरी जी के सामने कि पूरी तरह से सभी गेस्ट जो हैं पूरी तरह से आश्चर्यचकित हो जाएंगे। सारे जजेस और सारे कंटेस्टेंट भी पूरी तरह से हैरान होने वाले हैं पवनदीप राजन के परफॉर्मेंस को देखकर, क्योंकि पवनदीप राजन जो हैं तबला बजाते हुए नजर आएंगे और उनके तबले वादन के साथ साथ उनकी गायकी की भी एक अलग तरीके की रुमाइश जो है वो पैदा होने वाली है आने वाले एपिसोड में। लेकिन हम एक बात आप सभी दर्शकों को बताना चाहेंगे दोस्तों कि पवनदीप राजन की मम्मी जो हैं मिसेस सरोज, वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं। किस बात को लेकर नाराज़ हैं? पवनदीप राजन से नाराज़ हैं या फिर शो के मेकर से नाराज़ हैं? आज हम आपको यही बात बताएंगे दोस्तों कि इतना शानदार परफॉर्मेंस देने पर तो एक माँ को खुश होना चाहिए, लेकिन आखिर क्यों एक माँ जो है दुखी है? आज हम आपको यही बात बताएंगे पूरे विस्तार से। लेकिन इससे पहले, अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो सबसे पहले YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन के घंटे को नहीं दबाया है तो बेल आइकन के घंटे को आप ज़रूर दबा लें। चलिए आपको बताते हैं ये एक्सक्लूसिव न्यूज़। हम आपको बता दें दोस्तों कि जैसे जैसे फिनाले नज़दीक आता जा रहा है, वैसे वैसे हर कंटेस्टेंट की धड़कनें जो हैं काफ़ी तेज़ हो चुकी हैं, और ये बात जानती हैं अच्छी तरह से पवनदीप राजन की मम्मी भी। पवनदीप राजन की मम्मी ये जानती हैं कि उनका बेटा काफ़ी स्ट्रेस ले रहा है, और ऐसे में सारे एपिसोड की शूटिंग जो है वो खत्म हो चुकी है, आने वाले एपिसोड की जितने भी है। और साथ ही साथ आने वाले एपिसोड से जुड़ी एक बहुत बड़ी बात हमने आपको बताई थी कि टॉप टू की रेस से बाहर हो चुके हैं पवनदीप राजन, ये बात हमने आपको बताया था, कहा था। और साथ ही साथ अब ये बात जो है पवनदीप राजन ने अपनी मम्मी को बताई, तो इसी बात को लेकर जो है पवनदीप राजन की मम्मी जो है नाराज़ हैं। अब किससे नाराज़ हैं? तो शो के मेकर्स से नाराज़ हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि पवनदीप राजन को बहुत ज़्यादा वोट्स मिल रहे हैं। जब पवनदीप राजन इतना शानदार परफॉर्मेंस कर सकते हैं और उस पर इस तरह से रिस्पॉन्स मिल सकता है ऑडियंस की तरफ से, तो ऐसा मैं मान ही नहीं सकती कि पवनदीप राजन को कम वोट्स मिले हों। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है, ऐसा मानना है पवनदीप राजन की मम्मी का, मिसेस सरोज का। और साथ ही साथ तो उन्हें ऐसा लगता है कि उनका बेटा जो है काफ़ी अच्छा कर रहा है और पूरी मेहनत करता है, पूरे शिद्दत से काम करता है, और मतलब बैक टू बैक जो है ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिया जा रहा है, और ऐसे में तो उसे तो टॉप पे रखना चाहिए। और उनका बेटा जो है काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस करने के साथ साथ वो जो है दिल का भी काफ़ी साफ है, काफ़ी अच्छा है, और उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? जो भी कोई कर रहा है उन्हें बॉटम में क्यों रख रहे हैं शो के मेकर्स? ये बड़ा सवाल है मिसेस सरोज जी का, और साथ ही साथ आपका भी यही सवाल होगा दोस्तों। तो इसी बात से नाराज हैं पवनदीप राजन की मम्मी। आज के इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही दोस्तों। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? पवनदीप राजन के बॉटम आने पर आप क्या कहना चाहेंगे? प्लीज़ हमें अपने कमेंट के थ्रू ज़रूर बताएं। तब तक के लिए बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल के साथ क्विक टीवी न्यूज़ की रिपोर्ट। और हाँ, वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों।